आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। चुनाव के बीच ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, विपक्षी दलों ने कहा फिर हुई ईवीएम से छेड़छाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज, विपक्षी मोदी विरोध में इतने डूब गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली लगता है। बीजेपी ने एक और सूची जारी की, धार में अंतर सिंह, रतलाम से गुमान सिंह और खजुराहो से बीडी शर्मा मैदान में। बीजेपी ने कहा तो इंदौर से चुनाव लड़ने से इनकार नहीं कर पाएंगे कैलाश विजयवर्गीय। और कृतज्ञ राष्ट्र ने किया संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को याद, कई जगह हुए समारोह। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम के साथ लगाए गए बीपीपैट के रिएक्शन टाइम और उससे निकलने वाली पर्चियों को लेकर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके चलते बीबीपैट से गलत नामों की पर्चियां निकल रही हैं। विपक्षी दलों ने अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाने का ऐलान किया है। सेफ डेमोक्रेसी नाम से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता व वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईवीएम में वोट डालने के लिए बटन दबाया गया तो उसके लगी वीवीपैट मशीन में निकली पर्ची सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही नजर आई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोगों की शिकायत आई है कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया, वीवीपैट से निकली पर्ची उस पार्टी के बजाय किसी दूसरी पार्टी के नाम से निकल कर आई, यानी ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर हम वीवीपैट से निकली पर्चियां गिनते हैं तो उसमें 5 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि अपनी टीम बढ़ाएं क्योंकि इसमें 5 दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि मशीनों में गड़बड़ी नहीं है, उनसे छेड़छाड़ की गई है। इन मशीनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाता है। केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जिन मशीनों में खराबी की शिकायत आती है उनके वोट बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं भी चीजों को समझता हूँ, कुछ तो लोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग मोदी के विरोध में इतना डूब गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली नजर आने लगा है। महामिलावटी और उनके राग दरबारी आए दिन सवाल पूछते हैं कि मोदी राष्ट्र रक्षा की बात क्यों करता है। मोदी कठुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, ये देश है तभी राष्ट्र रक्षा का भाव है, राष्ट्रवाद है, राजनीति अपनी जगह होती है, चुनाव अपनी जगह है, नेता भी आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये देश हमेशा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हर भाजपा कार्यकर्ता, हर देशभक्त नागरिक और उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने कहा, भारत के लोकतंत्र की ताकत को आपने पहले चरण में सिद्ध किया है। जम्मू और बारामूला में भारी मतदान कर आपने आतंकियों के आकाओं, पाक परस्त अवसरवादियों और निराशा में डूबे महामिलावटियों को कड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारी मतदान से महामिलावटियों को बड़ा झटका लगा है। इस बार 2014 में भी बड़ी लहर है। इतने सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में एक बात साफ है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलने की संभावना है, भाजपा को उससे 3 गुनी सीटें मिलने की संभावना है, ये सर्वे वाले कह रहे हैं। और इसलिए अब कांग्रेस का तो बचना मुश्किल है। मोदी ने कहा, मुझे भरोसा है कि आप मुझे एक बार और सेवा करने का मौका देंगे। अपने वादे पर हमारी सरकार खरी उतरी है। मोदी जम्मू के काठुआ में रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने उन सर्वे का जिक्र किया जो भाजपा को कांग्रेस से 3 गुना सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की धार, रतलाम और खजुराहो सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। धार से छतर सिंह दरबार, खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा और रतलाम से गुमान सिंह डामोर को टिकट दिया गया है। सेकेंड लाइन न होने के कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने में पसीना आ गया है। लोकसभा की कई सीटों पर गुटबाजी और कहीं उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होने से रविवार को जारी अपनी एक लिस्ट में मध्य प्रदेश की धार, रतलाम और खजुराहो सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। रतलाम में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया और भाजपा के गुमान सिंह डामोर, धार में कांग्रेस के दिनेश गिरवाल और भाजपा के छतर सिंह दरबार, और खजुराहो में कांग्रेस की कविता सिंह नातिराजा और भाजपा के बीडी शर्मा के मुकाबला होगा। इंदौर और भोपाल पर बीजेपी की सूची में कोई नाम सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश की इंदौर और भोपाल सीट पर लोकसभा चुनाव में सभी की निगाहें रहेंगी। भोपाल से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा था कि जल्द ही इंदौर और भोपाल को लेकर भाजपा के उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकता है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का, खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम, हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस है, बदलाव की शुरुआत है देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ट्वीट पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी जारी किया। सारे राष्ट्र ने बाबा साहब को याद किया। आज भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और सामाजिक समरसता पर बल देते हुए हमेशा शोषित और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रविवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्य हस्तियों ने भी अपने संदेश जारी कर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती। अभाव का रोना नहीं और प्रभाव से विचलित होना नहीं, ये मंत्र हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है। ये ताकत देने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अपने जीवन से दिया है।
अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर राष्ट्र के प्रतीक पुरुष व संविधान शिल्पी थे। वे जातिगत एवं अन्य पूर्वाग्रहों से मुक्त भारत के निर्माण के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जहां महिलाओं पर व कमजोर वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सादर नमन। जय भीम। अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। इसके बावजूद इसे अब तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिल सका है। दरअसल पिछले करीब 15 सालों से इसे लेकर कोई मांग ही नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले दर्जनों बार धरना प्रदर्शन और मांगे होती रहीं, लेकिन तब अंबेडकर जयंती समारोह का पैमाना इतना बड़ा नहीं था। राष्ट्रीय स्मारक ना बन पाने का एक बड़ा कारण यहां सेना की मौजूदगी भी है, जो स्मारक के लिए फिलहाल और जमीन देना नहीं चाहती। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भोपाल में आरएसएस ने पथ संचलन निकाला और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह सहित तमाम राजनेता और आम लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एमपी नगर में घोष की आवाज के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचालन संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने पहुंचा तो लोग आश्चर्य से इस नज़ारे को देख रहे थे, क्योंकि सामान्यतः राजनीति करने वाले लोग कि अंबेडकर को श्रद्धा सुमन करने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नज़ारा कुछ अलग ही था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह भी अपने लाव लश्कर के साथ सुबह ही अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। जो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, गरीब के लिए काम करना चाहते हैं, उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं, हम सब सही कदम उठाकर उनके सपनों को पूरा करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मना करने की मेरी हैसियत नहीं है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे शीर्ष नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी है, वहां हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इंदौर की एक सीट के लालच में मैं पश्चिम बंगाल से ध्यान हटाना नहीं चाहता। मैंने संगठन को अपनी मंशा बता दी है, लेकिन पार्टी इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मना करने की मेरी हैसियत भी नहीं है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उम्र के मापदंड के कारण ताई को टिकट नहीं मिला, लेकिन टिकट मिलने से राजनीतिक कद तय नहीं होता। हमारी ताई बड़ी नेता हैं और रहेंगी, उनके नेतृत्व में शहर में काफ़ी विकास हुआ है, इस कारण इंदौर भाजपा की परंपरागत सीट बन गई। यहां से भाजपा का कार्यकर्ता भी चुनाव जीत सकता है। उन्होंने कहा कि ताई और भाई के बीच झगड़े की बात मीडिया फैलाता है, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। भोपाल से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि सिंह को प्रदेश की जनता ने खराब सड़क बिजली गुल वाले मुख्यमंत्री के रूप में भुगता है, वे भाजपा के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। चाहे वे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च जाएं, उनकी छवि बदलने वाली नहीं है, जनता उनका शासनकाल अब तक नहीं भूली है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं।
हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा में एक व्यक्ति की बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब व्यक्ति होटल के ऊपरी माले पर सो रहा था और करवट लेते वक्त वह अचानक बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। रीवा चोरहटा थाना इलाके के होटल चंद्रलोक में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले विनोद कुमार चौधरी की बिल्डिंग से नीचे गिरने पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ विनोद नींद में था। उधर इस मामले में उसके परिजनों ने इसे हत्या बताया है। घटना का यह वीडियो भी सामने आया है जिसमें विनोद कुमार खिड़की में सोता हुआ नजर आ रहा है। अचानक वो करवट लेता है और सीधे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कल इसी होटल में CM कमलनाथ का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। झाबुआ में एक महिला पर अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आया है। उसके कंधे पर पति को बिठाकर पूरे गांव में आपत्तिजनक हालत में घुमाया गया। ऐसा महिला को सजा देने के लिए किया गया और उसका निर्णय वहां की भील पंचायत ने लिया। शनिवार को घटना का जब वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के पास पहुंचा तो वह सक्रिय हुई और अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। इस घटना में शामिल कई लोग फरार हो गए। कांडला थाना क्षेत्र के ग्राम देवली में एक महिला के साथ जमकर नाइंसाफी हुई और लोग उसका मजाक बनाते रहे। महिला के कंधे पर पति को बिठाकर पूरे गांव में आपत्तिजनक हालत में घुमाया गया। ऐसा पंचायत के निर्देश पर हुआ। जब घटना के फोटो और वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो में ऐसा मानवीय कृत्य करते दिखाई देने वाले सभी लोगों की तलाश शुरू हो गई। वीडियो की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जैन ने कहा कि महिला को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वीडियो को ही माध्यम बनाया जाएगा। बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते इस तरह या अन्य कोई सजा यहां के ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है। पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। देवली की यह महिला गांव में ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते चली गई थी। गांव वाले उसे ढूंढ कर ले आए और पति के सुपुर्द कर दिया। भील पंचायत ने सजा के तौर पर यह तय किया गया कि पति महिला के कंधे पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा। यह सजा शुक्रवार को दी गई थी। शाम को ग्रामीणों ने महिला के कंधे पर पति को बिठाकर गांव में आपत्तिजनक हालत में घुमाया। SP जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही सबसे पहले पुलिस अधिकारियों ने गांव का ही वीडियो होने की पुष्टि की। जैन का कहना है कि महिला के साथ अमानवीय कृत किया गया है। वीडियो में दिख रहे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि देवीगढ़ में पंचायत के लोगों ने एक महिला को जबरदस्ती इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपने पति को अपने कंधे पर बिठाए और उसको फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए घुमाया भी। ये कृत अमानवीय है। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मैंने एडिशनल SP साहब, थाना प्रभारी और SDOP सबको मौके पर बल के साथ भेजा था। 13 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने नामजद FIR की है, जिसमें गांव का सरपंच भी है, उप सरपंच भी है, तड़वी भी है, पूर्व सरपंच भी है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष लोगों के लिए लगातार दबिश दे रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बालाघाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी किशोर स्मृति ने चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग से रुपयों की मांग की है। साथ ही उन्होंने लिखित पत्र में रुपए नहीं दिए जाने पर किडनी बेचने की अनुमति भी मांग ली है। पूर्व विधायक किशोर स्मृति ने कलेक्टर कार्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के नाम दिए गए पत्र में चुनाव लड़ने के लिए रुपए की मांग की है। स्मृति ने लिखा है, लोकसभा चुनाव की व्यय सीमा 75 लाख रुपए है, लेकिन इतना महंगा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास रुपए नहीं है। मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि उनके विरुद्ध लड़ने वाले उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग से वित्तीय सहायता मांगी है। स्मृति ने बताया कि बालाघाट की राजनीति पूंजीपतियों पर आकर सिमट गई है। चुनाव में अनाप शनाप रुपया खर्च किया जाता है, जिससे आम आदमी के लिए प्रतिनिधित्व और चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। मुझे चुनाव लड़ने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग 75 लाख रुपए दे या किडनी बेचने की अनुमति दे दे। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्यार क्या चढ़ते पहाड़ी, इरादों ने चढ़ी है दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। बोझ नहीं मैं बाबा के कंधों पर, बाबा ने ही तो पैरों से सिर्फ चलना नहीं लिखना भी सिखाया है। जन्म से ही हाथ नहीं थे ममता के, ममता बड़ी हो रही थी, पिता चाहते थे सभी बच्चों की तरह ममता भी पढ़े और लिखे, मगर आड़े आ जाता था हाथों का ना होना। पिता और इस बेटी ने ठान लिया था कि पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, तो कलम पैरों में पकड़ ली और लिखना शुरू कर दिया। ये कहानी है एक किसान पिता की और जन्म से ही हाथों से पूर्णतः दिव्यांग ममता की। ये है ममता, जो हर मुसीबत के पहाड़ को चढ़ते हुए कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। कहते हैं कि अगर ईश्वर कुछ कमी छोड़ दे तो एक हुनर ज़्यादा देता है। ममता को हाथ नहीं दिए मगर पैरों से लिखने का हुनर बखूबी दिया है। छतरपुर परा गांव की ममता शिक्षक बनना चाहती हैं। ममता चाहती हैं कि वो अपने ही जैसे बच्चों को पढ़ा लिखा सके, मगर अकेले कहाँ संभव था, सो पिता ने साथ दिया। पहले पैर से लिखने का अभ्यास करवाया और फिर स्कूल में दाखिला करवाया और अब ममता कॉलेज जाती है। ममता ने ऐसी मिसाल पेश की है कि अब पूरा गांव गर्व से ममता का नाम लेता है। ममता को कॉलेज में बैठने के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है। ममता परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पैर में कलम पकड़ कर लिखती है। पढ़ाई का ऐसा जुनून है कि जन्म से ही उसके दोनों हाथों में नहीं होने पर भी उसने स्कूल की पढ़ाई पैर से उत्तर पुस्तिका लिख कर पूरी की। उसका एक छोटा अविकसित सा हाथ है जिसमें पंजे के बजाय नाममात्र की उंगली है। ममता बताती है, जब उसे स्थानीय शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने भेजा तो सभी ने कहा कि वो कैसे लिखेगी पढ़ेगी। इसका उत्तर देते हुए ममता ने बताया कि उसने अपनी इस गंभीर समस्या को ईश्वर की मर्जी मान लिया है और एक चुनौती समझकर स्वीकार भी किया है। बचपन ने छोटी कक्षा में पैर से लिखने का अभ्यास किया। शुरू शुरू में तो मुझे लिखने में बहुत कठिनाई होती थी और देर भी लगती थी। पैर से लिखते देख स्कूल के बच्चे और गांव के लोग कौतूहल भरी नज़रों से देखते थे, साथ ही मेरा हौसला भी बढ़ाते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो अच्छी लिखावट से लिखने लगी। पिछले वर्ष सेकंड डिवीज़न के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की और अब महाराजा कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रही है। छोटी आई थी, बचपन से प्यार से लिखना माँ पापा जी ने सिखाया था और हमारे सारे लोगों ने कहा कि ये तुम ये कैसे तुम लिख पाओगी, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम कैसे पढ़ पाओगी। तो फिर माँ पापा ने हमें प्यार से लिखना सिखाया, तो फिर हम बनने लगा प्यार से लिखते, तो फिर हमारे वहाँ पर नाम लिखवा दिया और हमने वहाँ यहीं से फिर मैंने 8वीं की और फिर 9वीं की विक्रमपुर की, 9वीं 10वीं और काफी से 12वीं की। ममता की मंजिल आसान नहीं थी। किसान पिता देशराज पटेल की ममता इकलौती बेटी है। उसका एक बड़ा और एक छोटा भाई है जो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ममता के पिता उसकी इस कुदरती कमी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, मगर फिर इसी कमी को उसकी ताकत बना दिया। पिता चाहते थे कि ममता अपने दोनों भाइयों की तरह खूब पढ़े और आगे बढ़े। जब पहली बार स्कूल में दाखिला कराने गए तो हाथ ना होने पर लिखने की समस्या सामने आई। तब घर आकर पिता ने पैर में कलम पकड़ा दी और लिखना शुरू करा दिया। गांव के स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूरी होने के बाद आगे गांव में स्कूल न होने की मुसीबत
आगे आकर खड़ी हो गई, मगर पिता ने पढ़ाई नहीं रुकवाई और गांव के बाहर पढ़ने भेजा। और स्कूल पूरा होने के बाद गांव से ही बाहर आकर छतरपुर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने जा पहुंचे। कॉलेज प्रबंधन ने भी ममता का जज्बा देखकर बीए में दाखिला दे दिया। ये जन्म से ही विकलांग पैदा हुई है। क्या क्या है इसको? इसके हाथों से विकलांगता है पूर्णतः 100%। और फिर इसको मैंने अपने इसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण 2-4 साल बाद मैंने इसके सोचा कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाऊँ, तो पढ़ाई के लिए प्रयास किया। तो पढ़ाई के लिए कक्षा 1 में नाम भरवाने की सोची, गए स्कूल तो सब लोगों ने कहा तो भाई किस कौन सी तरह से पढ़ाएंगे, इसके हाथ तो है नहीं है कैसे लिख पाएगी। तो मैंने फिर कहा कि सर नाम तो लिख लीजिए आप, फिर जैसे भी जो प्रयास हो। तो फिर मैंने घर मान लो अभ्यास कराना इसको सिखाया पैर से, तो अभ्यास कराते कराते इससे फिर कुछ कल मान लो आने लगा, गिनती है पहाड़े है कुछ है, और वो किताब की नकल नकल भी लिखने लगी। ममता के प्रोफेसर का कहना है कि ऐसा जज्बा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ममता की पढ़ाई के प्रति लगन और अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा को देखते हुए उसे हर सहयोग व मार्गदर्शन महाराजा कॉलेज के प्राचार्य व प्राध्यापकों से मिलता रहता है। महाराजा कॉलेज के करियर काउंसलर ने भी समुचित मार्गदर्शन दिया और हर तरह का सहयोग करने पर करने का विश्वास दिलाया। ये ममता पटेल जिसके हाथ नहीं है पैर से लिख रही है, वाकई न केवल महाराजा कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज या नगर के कॉलेज, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के कॉलेज के युवाओं और बच्चों के लिए मिसाल है। जिनके तो हाथ और पैर हैं, हट्टे कट्टे हैं, संपन्न घर के हैं, लेकिन बच्चे आज व्यसन में, मोबाइल में, फेसबुक में डूबे हुए हैं। तो उनको ये संदेश देती है कि विकलांगता कभी आड़ नहीं आती अगर हौसले बुलंद हो। ममता अपनी इस कमी के लिए ईश्वर को भी कोई दोष नहीं देती हैं। उनका मानना है कि आज के समय में अच्छे खासे हाथ पैर वाले बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर अपने माता पिता का सिरदर्द बने हुए हैं और अपना भविष्य फालतू की चीज़ों से खराब कर रहे हैं, जबकि वह इतनी बड़ी कमी के बाद भी हर साल अच्छे से पढ़ती है और पास होती आ रही है। उसकी दिव्यांगता उसे अपना लक्ष्य पाने को ही प्रेरित करती है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की तबीयत बिगड़ने से एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जोशी कुछ दिनों से बीमार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर जोशी का हालचाल जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की तबीयत बिगड़ने के बाद भोपाल स्थित नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जोशी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तबीयत में सुधार न होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोशी को देखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, सांसद आलोक संजर आदि नेता अस्पताल पहुंचे। इससे पहले उनकी बीमारी की खबर सुनकर दिग्विजय सिंह और मंत्री पीसी शर्मा उनकी कुशलता पूछने हॉस्पिटल पहुंचे थे। अस्पताल में सभी जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी से मिले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर पहले ही बीमार चल रहे हैं, ऐसे में कैलाश जोशी की भी तबीयत बिगड़ना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। जोशी भोपाल से सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा, ई टेंडरिंग मामले में अपराध सिद्ध होने पर भाजपा के मंत्रियों और नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अग्रवाल ने कहा, लंबे अरसे से प्रदेश में चले आ रहे भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल लोकसभा सीट के मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ई टेंडरिंग घोटाला कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरह से टेंडर मामले में छेड़छाड़ हुई है और जो गलतियां संबंधित मंत्री और अधिकारियों ने की है, उस आधार पर ईओडब्ल्यू से यदि अपराध साबित होता है तो इन सबको जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। अग्रवाल ने कहा, यह अफसरों और मंत्रियों के गठजोड़ का कारनामा है। उस समय जांच अमरनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से ही बैठा दी थी और उसमें उसी समय संदेह हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, टेम्परिंग हुई है। 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला ई टेंडरिंग में हुआ है और इसमें जो मगरमच्छ हैं और अधिकारी हैं सब फंसने वाले हैं और उनके खिलाफ FIR हो गई है और उनको जल्दी जल्दी जेल की हवा खानी पड़ेगी। सतना में अलग अलग जगह हुए 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे में मरने वाले 7 लोग बाइक पर सवार थे। इन बाइक्स को बस और टेम्पो ने टक्कर मारी।
सतना में तेज रफ्तार बस और टेम्पो ने कहर ढा दिया, जिस कारण 7 लोग असमय ही मारे गए। पहला हादसा रामनगर थाना क्षेत्र के बड़ा इटमा गांव में हुआ, जहां तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं, एक बच्ची और एक युवक शामिल है। हादसे के वक्त बाइक पर 4 लोग सवार थे और चारों की टक्कर में जान चली गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतक एक ही परिवार के हैं। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से भाग गया। जानकारी मिलने के बाद रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो ड्राइवर को तलाश कर रही है। दूसरे हादसे में तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में पति पत्नी और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस में सवार 12 लोग भी इस हादसे में घायल हुए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा पलोहा और झुकेही के बीच तेज रफ्तार बस के कारण हुआ। टक्कर लगते ही बाइक पर सवार पूरा परिवार सड़क पर गिर गया और सिर में चोट लगने से उन तीनों की मौत हो गई। सिंधी समाज के संत भगवत कंवर राम साहेब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में संत नगर के कंवर राम चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने संत कंवर राम साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। संत हिरदाराम नगर में सिंधी समाज के संत भगवत कंवर राम साहेब की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संत नगर के कंवर राम चौराहे पर बड़ी धूमधाम से हुआ। यहां पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा संत कंवर राम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सिंधी समाज के अध्यक्ष साबू रिजवानी, महासचिव माधु चंदवानी और पंचायत के सदस्य, पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन के उपरांत प्रसाद का वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अमर शहीद भगत कंवर राम साहब का जन्मदिन जयंती बड़े गर्व के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि भगत कंवर राम साहब ईश्वर के रूप थे, निर्धनों के मसीहा थे, उनके मुख में जादू था, उनके मीठे मीठे आवाज से भजन आज भी प्रसिद्ध है। वे जो भी कमाई करते थे निर्धनों में बांट देते थे, दुख सुख के साथी बनकर सबको सहयोग करते थे, वे जातिवाद पर कोई भेद नहीं रखते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा नहीं, भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, आज दिमाग खराब है मेरा, चाय वाय कुछ नहीं पिलाऊ। देखो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, दंतेवाड़ा में नक्सली ने वो गाड़ी उड़ा दी, बताओ विधायक मर गए और 4-5 लोग और मर गए। और मैं बता रहा हूँ, इतनी मारामारी का शौक है काय को? अरे चुनाव लड़ो, अपने अधिकार लेना है तो यहाँ आओ, बढ़िया बंगलों में बैठो, इसी बंगलों में। लोगों को मारने से कोई अधिकार मिल जाते हैं? और दूसरी खबर ये देख लो इधर पे, टाइगर के पैर काट ले गए राधाबानी जंगल के वहाँ। और मैं बता रहा हूँ, देखो टाइगर नहीं बचेगा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, जंगल नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा होश में रहो। और छापे में देखो, ये जानवरों की खालें निकल रही है, कहीं हिरण की खाल, कहीं किसी की, और सर टंगे हुए हैं, कहीं हिरण के सामर की ट्रॉफियां टंगी हुई हैं। ऐसा शौक रहा है जानवरों को मारने का, यार खुद की खोपियाँ टांगो, बता रही हूँ। ये धार के बाद भैया मांडू में देखो, एक बस गिर गई खाई में, वो तो अच्छा हुआ नीचे एक पेड़ था बड़ा, उस पर अटक गई, सबकी है जाने बच गई, बताओ। सब ने शंका लप लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए, देखो पेड़ों की शक्ति, देखो पेड़ लगाया करो भैया। हाँ, इसीलिए कहता हूँ मैं, वही दबंग 3 की शूटिंग चल रही है वहाँ माहेश्वर में, तो बता रहे इनको परमिशन क्यों दे देती हो, बताओ। ये मूर्ति की हाथ तोड़ दिया, रास्ता बांध दिया उससे, वही सलमान खान उस पर खड़े हो रहे हैं, वो शिवलिंग के ऊपर तखत खड़ा कर दिया, वहाँ डांस वांस चल दिया है। और मैं बता रही हूँ, ऐसे जो मॉन्यूमेंट है हमने वहाँ पे परमिशन दो ही बात, ये कारीगरों ने कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, वही इनका क्या है, खराब कुरूप करके चले जाएंगे, ये तो चल दिया है। और भैया ये पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेचारे चाय चौं बंद हुई है, बेचारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इनके ये अलाउड स्पीकर ले लेकर वहाँ वहाँ करते रहते, बता रहे हैं बहुत दिमाग ख़राब है आज मेरा। वही पर्चे वर्चे भर रहे हैं लोग, भैया राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया अमेठी से, वही मोदी भरने वाले हैं 26 को, मैंने सुना है ये कमलनाथ ने भर दिए, और मेरा भी भैया मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ, डॉक्टर के यार मेरा सर खराब हो गया है, वो पर्ची में डॉक्टर से भरवाऊंगा कुछ, हाँ गोलियाँ वगैरह लिखवाऊंगा, बता रहे हो कसम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।